सर मेरा नाम अजीत पटेल है, मैं यूपी के चंदौली जिले से रहने वाला हूँ। मैंने डिप्लोमा 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए हैं। कब के पास आउट हैं आप? 2017 में। 2017 उस जॉब में क्या था, किस तरह का क्या था वो? सर प्रोडक्शन लाइन था, प्रोडक्शन के अंदर टू व्हीलर का पार्ट बना था। टू व्हीलर का पार्ट बना था। उसके बाद में? उसके बाद सर मुंबई गए, वहाँ पर JSW में कन्वेयर ऑपरेटर काम किया। ओके, कन्वेयर ऑपरेटर में काम किया। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान स्टोरीज में। आज हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट हैं, तो इनसे इनके लाइफ की स्टोरी थोड़ा सा जानेंगे। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही हमारा जो कोर्स है ज्वाइन किया है, तो उस कोर्स से पहले की जर्नी क्या थी और यहाँ आके कैसा लग रहा है, प्लीज़ पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम अजीत पटेल है, मैं यूपी के चंदौली जिले से रहने वाला हूँ। मैंने डिप्लोमा 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए हैं। कब के पास आउट हैं आप? 2017 में। 2017। तो अभी जैसे आपकी जर्नी है, मैं कहूँ 2017 से अभी 2024 चल रहा है, तो इन 7 साल, 7 साल के करीब हो गए, 6 से 7 साल, तो इन 6 से 7 साल में आपकी लाइफ में क्या रहा, और फाइनली जब आपने ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद आपको अभी कैसा लग रहा है? सबसे पहले पिछले जो 6-7 साल हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि कैसे क्या है। स्टार्टिंग में सर मैंने 1.5 साल रेलवे की तैयारी की, उसके बाद फिर उसके बाद मानेसर में जॉब किए थे, उसके बाद फिर मुंबई में JSW में भी किए हैं, उसके बाद फिर तो मानेसर में जो जॉब की थी आपने, उस जॉब में क्या था, किस तरह का क्या था वो? सर प्रोडक्शन लाइन था, प्रोडक्शन के अंदर टू व्हीलर का पार्ट बना था। टू व्हीलर का पार्ट बना था। उसके बाद में? उसके बाद सर मुंबई गए, वहाँ पर JSW में कन्वेयर ऑपरेटर काम किया। ओके, कन्वेयर ऑपरेटर में काम किया। उसके बाद फिर मैं घर वापस आ गया, मम्मी का तबीयत खराब हो गया, बीमार हो गया, तब से मैं घर ही पर हूँ। तो स्किल्ड हिंदुस्तान के बारे में फिर आपको कैसे पता लगा, कहाँ से पता लगा, और कितने दिन के बाद तुमने सोचा यार चलो फाइनली ज्वाइन करते हैं? सर यूट्यूब पर देखे, देखते देखते घर पर मम्मी को भी देखना था, इसीलिए तो मैं जब खाली हो गया तो फिर सोचे ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे आपकी स्टोरी में क्या सीख जो लोग हैं उनको लेनी चाहिए, और आपको भी उससे थोड़ा सा समझना चाहिए कि जो लोग प्रोडक्शन में जॉब करते हैं, वो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जो आपने प्रोडक्शन में जॉब किया, उसके बाद कन्वेयर ऑपरेटर में जॉब की, आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो प्रोडक्शन में क्या काम होता है जो आपने किया, और आज आपको लगता है यार नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं था? सर प्रोडक्शन लाइन में 8 घंटे डेली रम उसी लाइन पर काम करना पड़ता है। किस तरह का काम होता है? जो लोग हैं ना वो आपसे बिल्कुल अपने आपके दिल की बात जानना चाहते हैं कि वहाँ कितने दिन काम किया था आपने? हम तो सर 2 जगह किए, एक बार रेवाड़ी में भी किए थे, एक बार मानेसर में भी किए। तो टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया होगा दोनों जगह का? दोनों में 1.5 साल करीब हो गया, 1.5 साल के करीब। तो 1.5 साल में आपकी मानसिक दशा कैसी हो गई थी कि यार क्या करें, डिप्लोमा काम डेली करना पड़ता था तो दिक्कत हो जाता था, इसीलिए 8 घंटे लगातार काम करना पड़ता था वहाँ पे, इसीलिए छोड़ना पड़ा था। तो वहाँ पर आपको ग्रोथ क्या लग रही थी कि क्या ग्रोथ हो रही है मेरी, होगी कि नहीं होगी? वहाँ पर सर ग्रोथ कुछ नहीं था, बस प्रोडक्शन से मतलब है, ग्रोथ कुछ नहीं था वहाँ पर। तो जो आपकी अपनी ये स्टोरी है, जो लोग अभी प्रोडक्शन में जॉब कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको एक सीधा सा मैसेज क्या देना चाहोगे आप, क्या कहोगे उन लोगों को? सर क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि मतलब प्रोडक्शन छोड़ के ज्वाइन करके टेक्निकल में जॉब करें, कि कोर के अंदर देखो जहां पर हमें हमारी ग्रोथ कब होती है दोस्तों, ग्रोथ हमारी जब होती है जब हमें हमारे लायक कोई जॉब मिलती है। लायक से क्या मतलब है कि जो मेरे ट्रेड से है, जिस जो क्वालिफिकेशन किया है, या ट्रेड से नहीं है जिसमें आगे ग्रोथ है, जिसमें आगे ग्रोथ है कि भी अभी मैं पहली सीढ़ी पे हूँ, फिर दूसरी सीढ़ी भी है, तीसरी सीढ़ी भी है, चौथी सीढ़ी भी है, और वो ऐसा नहीं है कि एक ही बिल्डिंग है उसी में मैं चढ़ सकता हूँ, मैंने जो सीखा है ना उससे किसी भी बिल्डिंग में मैं चढ़ सकता हूँ। जो सीढ़ियाँ हैं मैंने 10 सीढ़ियाँ चढ़ना सीख लिया है, और वो कहीं पर भी वो 10 सीढ़ियाँ चढ़ सकता हूँ। अगर हमने उस स्पेसिफिक सीख लिया यार ये तो यूनिक है, सिर्फ यहीं पर है, तो वो भी क्या हो जाता है ना, कई बार यूजलेस हो जाता है। और उसके बाद जैसे आपने कब बताया कन्वेयर आपने ऑपरेटर काम किया, तो
तो वहाँ वहाँ से थोड़ा सा अच्छा लगा होगा कि इसको ऑपरेट करना है या वहाँ किस तरह का जॉब? वहाँ पर भी सब कुछ नहीं था, बस केवल बैठ के उसको देखना था कि बेल्ट चल रहा है बस, बाकी कोई काम नहीं था वहाँ। तो उसमें सेंसर वगैरह रहते हैं, वो सब कुछ नहीं देखना होता था? कोई भी अगर फॉल्ट होगा तो अपना इंजीनियर आगे बनाएगा, बाकी कुछ नहीं करना। तो वहाँ कितने दिन काम किया? वहाँ सर 8 महीने की। तो दोस्त देखो, मैं आपको और जो लोग देख रहे हैं ना उनको एक मैसेज दे पाऊंगा। देखो आपका तो समय चला गया, उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं, बट हम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि वो समय आपका जो गया है ना उसको आगे यूटिलाइज कर लें। किस तरह कर सकते हैं? मैं एक सिंपल एक उदाहरण देता हूं कि जैसे भाई आपको यहां से मुंबई जाना है, हम मुंबई जाने के कई सारे तरीके हैं। मैं पैदल जा सकता हूँ, मैं बस वगैरह में जा सकता हूँ, मैं ट्रेन में जा सकता हूँ, मैं फ्लाइट में जा सकता हूँ। तो हम आपको वो सुविधा दे सकते हैं कि आप एक इंजीनियर या मैनेजर की पोजीशन तक बहुत जल्दी पहुँच जाएं। अभी बात आता है कि भाई जल्दी भी कैसे पहुँच सकते हैं? दोस्त क्या होता है कि टेक्निकल के अंदर कि जब हमने कोई भी चीज़ सीखना स्टार्ट की, अगर हम किसी से पूछ पूछ के सीखते हैं तो पहली चीज़ कोई बताता नहीं है। कुछ 100 में से 2 लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं यार मेरे पास ज्ञान है, जितना बांटूंगा उतना अच्छा होगा। बट जो 98% लोग होते हैं वो सोचते हैं नहीं नहीं भाई किसी को नहीं सीख जाएगा। तो ये सीख गया ना, अगर आप किसी के आप मेरे जूनियर हो तो मेरा माइंड सेट पता क्या रहता है? नहीं सीख गया तो कहीं मेरी जॉब नहीं खा जाए। मेरे को अपनी जॉब की टेंशन है, मुझे ये नहीं है कि भाई मैं कुछ और सीखूं और आगे बढ़ूं। मेरे नीचे कोई नहीं, कोई मेरा जूनियर है वो मेरी पोजीशन पर जल्दी आए ताकि मैं और आगे पहुंचूं। तो माइंड सेट जब तक हम ये सोचेंगे नहीं यार ऐसा, और लाइफ में ना दोस्त सारी चीजें पॉसिबल हैं। हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, हमें देखना है। अभी अगर आपको यहाँ से नीचे जाने का रास्ता नहीं पता है, आप घूमते रहेंगे सीढ़ियाँ, अरे सर कौन सी सीढ़ियाँ, चारों तरफ सीढ़ियाँ, कौन सी से उतरना है कौन सी से नहीं, सीधा देखेंगे नीचे कूदेंगे तो भी मर जाएंगे, सीधे भी नहीं कूद सकते हैं। आपने क्या किया, एक बंदे से पूछा यार नीचे जाना, ओ यहाँ से सीढ़ी है भाई, एक फ्लोर नीचे चले गए, वहाँ फिर नहीं समझ में, वहाँ किसी से फिर पूछेंगे। अगर आपको जो बताने वाला है वो बंदा सही है, वो आपको राइट गाइडेंस दे रहा है, तो आप क्या होगा ना आराम से उस पॉइंट पर पहुँच जाएंगे जहाँ पहुँच सकते हैं और थोड़ा टाइम से पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा गाइडेंस हम देते हैं ताकि आपकी लाइफ बदल सके। और आपका कोर्स कौन सा है? एमईपी कोर्स है। एमईपी कोर्स के अंदर दोस्त मैं आपको एक छोटी मैं दे देता हूँ कि अभी हम अगस्त 2024 के अंदर बैठे हुए हैं और ये वीडियो है अपने चैनल के ऊपर सेव रहेगी। अगर आप मेहनत करते हो तो अगस्त 2025 तक आपको एक बहुत ही बेहतरीन जॉब मिल चुकी होगी इंजीनियर की, वो भी मिनिमम 25,000 से लेके 35-40,000 रुपए तक एक साल के अंदर अंदर। बट इसके लिए एक चीज मैं कहूँगा, अपना एक हाथ है उसको पीछे करो, ऐसे पीछे लगा लो, ठीक है, ताली बजा के दिखाओ। नहीं बच पाएगा सर। हाँ नहीं बच पाएगा। देखो अब देखो मेरा एक हाथ आगे है, एक हाथ आपका आगे है, अब उठाओ उस हाथ को, उस हाथ को पीछे लेके जाओ, बच सकते हैं ना ताले? बच सकते। तो दोस्त क्या होता है कि जब हम ग्रो कर रहे हैं तो भाई ग्रो करने की लालसा आपके अंदर भी होनी चाहिए। सर नहीं मुझे बस जल्दी जल्दी, आप मुझे रास्ता बताइए क्या है, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, मैं अपना 100% देने को तैयार हूँ। अगर आप वो एग्री हो ना, जो मैंने आपको बोला है वो 101% पॉसिबल हो जाएगा। Yes, जितना मैंने बताया ना ये तो मैं एक बेसिक रेंज बताता हूँ कि इतना तो आप पहुँच सकते हो, इससे आगे भी जा सकते हो। आप मेहनत करो ना, 1.5-2 साल के अंदर अंदर आप एक मैनेजर पोजीशन तक भी पहुंच सकते हो, और मैं आपको लिखित में गारंटी दे सकता हूं इससे, क्योंकि मुझे पता है कि जो आप लोगों को स्किल देते हैं वो किस लेवल का स्किल है, आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा चेंज कर सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, जो हम बताएंगे उसी हिसाब से आपको थोड़ा चलना है, उन गाइडेंस को आपको बहुत फॉलो करना है क्योंकि बहुत जरूरी है दोस्त। हम 7 साल पीछे चल रहे हैं, ठीक है। अभी आपने बताया मम्मी की तबीयत भी मतलब ठीक नहीं रहती, तो आपके ऊपर और बर्डन है, और जिम्मेवारियां हैं, और कुछ हैं, शादी हो गई है, शादी की जिम्मेवारी है,
ठीक है, और फिर फैमिली, सब कुछ की जिम्मेवारी आपकी है। और एक चीज कड़वी सच्चाई दोस्त आज की ये है कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता, ठीक है। आपकी वैल्यू भी जब होती है, आप कहोगे ना यार, अरे बंदा यार टेक्नीशियन है, कितना इतना ले रहा, नहीं यार नहीं, जब कहोगे ना एक इंजीनियर यार 35-40 ले रहा है, तो थोड़ी सी वैल्यू होने लगेगी। जब आप कहोगे मैं मैनेजर बन गया हूँ 50-60-70 हज़ार ले रहा हूँ, तो और वैल्यू बन जाएगी। तो अपनी जो क्वालिटी है उसको आपको इम्प्रूव करते रहना है, और जो मैंने बोला है वो 100% पॉसिबल है। आपके अपने टारगेट हैं कुछ कि मुझे इतने दिन में ये सब बनना है, कुछ है ऐसा? अभी तो सर यहीं पर आए, यहाँ का यहाँ से हो जाए तो देखते हैं। तो मैं आपको सबसे पहला गोल मैं बोल रहा हूँ जो लिख के रखना है आपको, आप ये लिख लो कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर 30 से 35 हज़ार सैलरी मुझे करनी है, इंजीनियर की पोजीशन पर पहुंचना है। ये आपकी जो बुक है ना जिसमें हम लिखाते हैं, उसका सबसे पहले पेज पर गोल लिखा होना चाहिए। मैं आपको अगले 2-3 दिन में बताऊंगा कि वो स्टेप्स क्या क्या होंगे जो आपको आगे लेके जाएंगे, ठीक है। एंड कुछ और मेरे से पूछना चाहते हो आप? सर अब क्या पूछना है, सब ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। जो लोग देख रहे हैं दोस्त, उनको मैं यही मैसेज दूंगा कि भाई लाइफ ना बैठे बैठे नहीं बदलती है, पानी भी ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है दोस्त। तो एक जगह रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर लें। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।